हेलो बच्चों, हेलो दी। आज हम सेंटेंस बिल्ड करना सीखेंगे, ठीक है? हाँ। लेकिन अलग तरीके से। हाँ। आप ये जो ये देख रहे हो कार्ड्स, इसमें मैंने अलग अलग वर्ड्स लिखे हैं, ठीक है? हमको उसको मिला के एक सेंटेंस बिल्ड करना है, ओके? हाँ। तो मैं आप दोनों, आपका एक ग्रुप, ठीक है? मैं आप दोनों को, आप दोनों ग्रुप में एक एक दूंगी। आपको एक सेंटेंस बिल्ड करना है मिलके through these words, okay? And आपको भी, okay? ये आपके, आप दोनों के लिए और ये आप दोनों ग्रुप दोनों के लिए, ठीक है? आप मुझे एक एक पहले पूरे लेटर का हमको एक सेंटेंस, पूरे वर्ड्स का हमको एक सेंटेंस मिला के बनाना है। तो मुझे पहले बताइए कि ये एक एक बताइए कि कौन कौन से उसमें वर्ड्स लिखे हैं। एक एक से पहले, अच्छा ठीक है, आप बताइए क्या है वो। THE द, ओके। दूसरा स्टेप क्या है वो, फिर से पढ़िए, वापस पढ़िए। S S L E P T, हाँ, तो क्या होगा? स्लिप 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 मतलब सो गया, ठीक है? लायन, वेरी गुड। और दूसरा Tree. Yes. The. ये तो आपने पहले भी बोला था, दो है, ओके, ठीक है, दो है नहीं है, ओके। और क्या है वो? Under. हाँ, तो आपको ये जो आपने मुझे भी वर्ड्स पढ़ के बताया, इसका मिला के कोई सेंटेंस बनता है क्या? आप तब तक के देखिए और मैं इनको देखती हूँ कि कौन कौन से इनको वर्ड्स मिले, ठीक है? आपको सेंटेंस बनाना है सबको मिला के एक सेंटेंस। आप बताइए आपको कौन कौन से वर्ड आए हैं, क्या है वो? वेरी गुड। आपको बताओ? द लायन, वेरी गुड। अभी और देखिए, अंडर द, क्या है वो? ट्री। पढ़िए एक बार फिर से, एस ओ एम ई, यस, क्या होगा? सम, सम, ठीक है। हाँ, अभी दूसरा बताइए, क्या है ये? इसको फिर से पढ़िए, एफ ई Yes, तो fell, यानी के गिर जाना, ओके? और कौन सा वर्ड आया आपको? क्या है? On. Very good. और दूसरा? Mat. हाँ, very good. Mat. तो आपको ये सारे वर्ड्स को मिला के एक सेंटेंस बिल्ड करना है, ओके? आपने बिल्ड कर दिया? हाँ. बताओ? The lion slept under the tree. Very good. किसने बनाया? दोनों ने मिलके बनाया? Yes. Very good. फिर से एक बार loudly पढ़ो आप लोग। The lion sleep under the tree. क्या है? The lion sleep under the tree. Okay. Slept. Slept. The lion slept under the tree. Very good. Very good. सही sentence बनाया आपने एकदम। Very good. इसको सबको जमा करो और आपका जो सेंटेंस है ना, दोनों मिलके इस पे लिखो, ठीक है? इस पे लिखना है आपको दोनों को मिलके जो आपका सेंटेंस बिल्ड हुआ है। वापस से दोनों दीजिए, याद है ना आपको? नहीं, आपको वापस मिल सकते हैं। आप देखिए आपको जो भी, जैसे भी सेंटेंस बनाया था आपने, फिर से रखना है तो रख लीजिए और वैसे ही लिखे। आपने बनाया सेंटेंस, आप बनाइए। हाँ, और आप बताओ, ठीक है? दोनों मिलके लिखो और आप बताना। THE lion l so i o some n lion slid s। एक बार पढ़ के देखिए वो सेंटेंस सही लग रहा है क्या? E P T some sleep रुकान UN fell D E R। सही लग रहा है आपको सेंटेंस? द, एक बार कुछ करके देखिए उसमें। E ट्री ट्री आर ई ई दी हो गया। दिखाओ, एक सेकंड ना। हाँ, क्या लिखा आपने? द लायन स्लीप अंडर द ट्री। वेरी गुड। द लायन स्लीप अंडर द ट्री, वेरी गुड।
आप बताओ अभी। The children on till some man. No, this is not. ये नहीं, एक बार और try कीजिए। आप दोनों इनकी हेल्प कर सकते हो, ठीक है? इनको जो सेंटेंस ये मिले हैं इसको जमा कीजिए। आप दोनों चाहो तो इनकी मदद कर सकते हो सेंटेंस बिल्ड करने में। देखो क्या क्या है। और some, आप देखो अदनान आतिफ। Some feel, some unmet. हाँ, फिर से बोलो जकी, क्या बोला आपने? The children some all No, not right. उसको आगे पीछे कीजिए। Children's quarter ये दोनों सही है। ये याद रखने। The children's feel some unmet. Sentence correct नहीं है ये। फिर से try कीजिए एक बार। Children's the feel unmet. Some मतलब क्या होता है? Un. सब मतलब चिल्ड्रन कुछ है ना। ये रुको ये रुको तो चिल्ड्रन सम द चिल्ड्रन फील ऑन सम मैट नहीं द चिल्ड्रन सम फॉल ऑन मैट नो द पहले नहीं आएगा चिल्ड्रन तो चिल्ड्रन सम है ना। चिल्ड्रन क्या है? कुछ चिल्ड्रन। ओके, तो कुछ चिल्ड्रन जो है ये पहले आ सकता है कि देखो सम और फिर सेंटेंस बना। सम चिल्ड्रन फील ऑन द मैट बन रहा है सेंटेंस। यस बन रहा है। रिपीटेड और एक बार रिपीट करो। सम चिल्ड्रन फील ऑन द मैट ये क्या है? फील 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 यानी के गिरना। यस तो क्या सेंटेंस बना आपने? Some children fell on the mat. वेरी गुड वेरी गुड। तो आपने जो अभी सेंटेंस बनाया है इसको इधर लिखना है, इस पे लिखना है, ठीक है? दोनों मिलके आप चाहो तो इसे इसकी मदद ले सकते हो यहाँ पे। आप दिखाइए उनके लिखने के बाद। ओके, दोनों मिलकर लिखो। हाँ, फिर से एक बार बताइए क्या लिखा आपने? Some children fell on the mat. Very good. Some children fell on the mat. Very good. तो आपको समझ आया कि हमने कैसे सेंटेंस बिल्ड किए? Yes. ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक यू।